हाल ही में जयपुर पिंक पैंथर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 में बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया, ये तो आप जानते ही हैं। और साहुल कुमार सेमीफाइनल मैच में 10 टैकल अंकों के साथ पैंथर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उभरे, शायद ये भी आपको पता होगा। और ये साहुल कुमार शामली जिले के गांव भविसा निवासी हैं। उनकी इस उपलब्धि पर कांदला क्षेत्र के शिवालिक ढाबे पर साहुल कुमार का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। साहुल के पिता ऋषिपाल सामान्य किसान हैं। साथ ही गांव भारसी निवासी हर्ष पवार ने थाईलैंड के बैंकॉक में हुई एशियन चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। हालांकि हर्ष पवार पदक से चूक गए, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना भी बड़ी उपलब्धि है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की याद में गायक संजीव गांधी और नितिक के पवार ने गाना तैयार किया है। इन सभी को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित करने वालों में मुख्य रूप से किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक, जिला पंचायत सदस्य अरविंद पवार, विजेंद्र सिंह, लबनान चौधरी आदि मौजूद रहे। ये आज हर्ष का विषय है। हमारे जनपद के किसान और मजदूर के बेटे आज जमीन से निकल कर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं, तो आज यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लड्डू जो बट रहे हैं और फूल मालाओं का जो स्वागत हो रहा है, ये खुशी है कि हमारे जिले की मिट्टी ने ये ऐसे होनहार बच्चे पैदा किए हैं जो विदेशों तक हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे कबड्डी की बात हो या बॉक्सिंग किक वाली की बात हो या गायक की बात हो, यहाँ पर ये कई प्रकार की प्रतिभाएं आज आपके सामने हैं और सभी का स्वागत किया जा रहा है कि जिससे हमारे अगले जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो नशे को छोड़कर, मोबाइल को छोड़कर खेल की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो और हमारे जनपद का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। कौन कौन से क्षेत्र से हैं ये खिलाड़ी? ये कांदले के भारसी गांव से हैं और मकमूलपुर से हैं, भविष्य से हैं, सारे यहीं के आसपास के बच्चे हैं। और ये बच्चे अब गांव के बच्चे नहीं रहे, ये पूरे जनपद के, पूरे प्रदेश के बच्चे हैं। आम युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है, अगर आप अच्छा काम करोगे, देश हित का काम करोगे, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करोगे, खेल के लिए काम करोगे, तो ये समाज और ये देश आपके साथ खड़ा होगा। और अगर आप गलत काम करोगे तो आपका अपना परिवार भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा।